आप से कई लोगों को याद होगा जब किसी सेंट्रल हॉल में जो विधानसभा जो नवनियुक्त कर्मी थे उनका नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा था। उस कार्यक्रम में उन्होंने हम लोगों को बुलाया था। उस अवसर पर ही हमने जलवायु परिवर्तन की बात कही और इसके जो दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे थे उसकी संक्षिप्त चर्चा की और उसको हमने अनुरोध किया था कि वक्त आ गया कि एक विधानसभा परिषद के सभी माननीय सदस्यों को एक साथ बैठ इस विषय पर चर्चा करें और इससे समाज में जागृति सभी सांसद होंगे और बात परिस्थिति हुई है इसकी चर्चा हमारे माननीय अध्यक्ष जो हालत हो गई है जलवायु परिवर्तन वर्षापात भूजल स्तर में गिरावट आ रही है इससे जल का संकट उत्पन्न होने लगा है और सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है कहीं अचानक आठ की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसको परवर्ती ढंग से अगर हम पर्यावरण के बारे में जागरूक रहे और किस कारण से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है इसके बारे में हम अगर सजग हो जाएंगे तो लोगों के बीच में भी इसकी चर्चा करेंगे और लोगों में भी जो जागृति आए जो चेतना आए आज क्या होता है समस्या उत्पन्न हो जाती उस पर चर्चा होती अभी जो पाठ की स्थिति उत्पन्न मेरे पास आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ छठ लाइन हालांकि इसके पहले मैंने तीन दिन कोई बैठक की सभी संबंध लोगों की अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न है वो या सूखे की स्थिति उत्पन्न हो इससे तो सरकार के विभिन्न विभागों को कार्य करना और खास करके बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने एसओपी का प्रयोग कर दिया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग की क्या क्या करना है और किन किन चीजों का नजर और निगरानी रखनी है इसके लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेवारी है और खास करके बाढ़ की स्थिति आने पर जो प्रशासन के लोग हैं उनकी कोई जिम्मेवारी है और उसके साथ साथ जल संसाधन विभाग उसको देखना है और खास करके आपका प्रबंधन विभाग इन सब चीजों पर नजर रखनी है और आपदा पीड़ितों को जो सहायता हमें पहुंचानी है जल्द तो इन सारी बातों पर भी चर्चा हो गई कि उसका लाइव को भी हमने बैठे आठ और सुखा दोनों के जो सत्र हो गए और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इधर वर्षा लगातार छह सात दिनों से चल रही और शुरू में स्थिति की नेपाल में वर्षा नहीं हुई और अब नेपाल में भी काफी वर्षा इससे उत्तर बिहार के बहुत ज्यादा इलाकों में अब पानी का जल का बहाव होता चल रहा है पानी आ गया तो इसके लिए जो हमने चर्चा कर दी और इसकी पूरी तैयारी और जो भी जहां करना है निराकरण करना है ये सब सजग है आज हमारे पहले अधिकारी यहाँ मौजूद है जिनके विभाग के तमाम लोग जिनके जिम्मेवारी सौंपी गई है वे सब अपने अपने इलाके के साथ काफी सजग और आप लोग दूसरी स्थिति में
आप देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से आप सबको मालूम है कि बिहार यूनिवर्सिटी यहाँ 15 दिन मानसून की शुरुआत और जो वर्षापात होता वो औसतन 1200 मिलीमीटर से लेकर 1500 मिलीमीटर अब वो स्थिति रही थी। जो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी किया जाता है पिछले 30 वर्षों का औसत है, अगर पिछले 30 वर्षों का औसत लेते हैं तो ये 1000 मिलीमीटर से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर हम पिछले 13 वर्षों का औसत औसत लेते हैं पिछले 13 वर्षों तो ये 900 मिलीमीटर गिरता है, पिछले वर्ष 800 मिलीमीटर से भी कम बढ़ता है, 770 मिलीमीटर से बढ़ता है, इतनी कम वर्षा। और इस बार जो वर्षा पात होना चाहिए जून में नहीं, और एक फीट जो सतह अपने चर्चा करते रहते हैं और जो मौसम विज्ञान विभाग के लोग हर मिट्टी में आकर जानकारी देते हैं कि संभावना क्या है इसके बारे में सबसे ज्यादा पिछले वर्ष जो बता रहे हैं तो उनके हिसाब से जो वर्षा पात का उनका अनुमान था आसान, हमने कहा कि इतना होगा नहीं, उससे कम 800 मिलीमीटर से कम होगा। और इस बार फिर हमने जेठ के महीने में सुरैया हवा ये आग का जो कथन है उनके हिसाब से सावन में तो पानी पड़ेगा नहीं, तो वैसे ही सब सजग रहे तो हमने तो पिछले वर्ष में सतर्क किया था, इस बार हमने सतर्क किया, लेकिन ये धीरे धीरे जो स्थिति उत्पन्न हो रही है और जो पिछले दिनों में हम लोगों ने जानकारी दी कि साहब मिथिला क्षेत्र में भूजल स्तर में कमी आ गई, धरती ये इसके बाद अगर हम लोग सचेत नहीं, यानी जहां भूजल का स्तर ऊंचा है लेकिन जबकि वहां के भूजल स्तर में कमी नहीं आती, इसका मतलब उस इलाके में भूजल स्तर में कमी आ रही है तो कोई ना कोई संकट लोगों के सामने आने वाले, ये प्रकृति ने एक चेतावनी दी तो ये मुझको लगा। और इसके अंदर 28 भाई हम लोग एक जगह पर अब हालत देखिए ये वो क्या है, इसके बारे में सुंदर एक प्रेजेंटेशन होता था और उस प्रेजेंटेशन को हम आकलन करेंगे गौर से आखिर सृष्टि कब हुई, उनमें तो बरत ही बरत, लेकिन यही से जो ग्रीन गैस की उत्पत्ति हुई, अब ग्रीन गैस में मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, ये सब जो पैदा हुआ उसके चलते धीरे धीरे जिसको कहते हैं कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने लगा और उसका एक लेयर बन, यानी तो सूर्य की किरणें यहां आती और वो और क्या उसी का एक हिस्सा जो रुकने लगा है उसके चलते धरती का तापमान थी और उसी से सृष्टि हुई और वहीं से सृष्टि हुई। पहले पौधे आए, जीव जंतु आए, आदमी की उपस्थिति हुई, सब कुछ, लेकिन ये तो ठीक है ये तो ग्रीन गैस है उसके चलते ये उत्पत्ति हुई, लेकिन वो नेचुरल था, स्वाभाविक तौर पर नीचे धरती से वो निकला, बहुत स्वाभाविक था। लेकिन आज क्या हुआ, आज जो विकास हो रहा है औद्योगिकरण, इतने वाहनों का परिचालन, इतने तरह की जो बात हो रही है उसके चलते ऐसे गैस वृद्धि हो रही है और उसके वृद्धि होने के कारण क्या होगा, यह ये तो तापमान है धरती का वो बढ़ने लगा, तो अगर ये तापमान एक सीमा के आगे पहुंच जाएगा तो फिर धरती को धरती में नष्ट, तो इसलिए हम सब लोगों को जो तो प्राकृतिक स्थिति है उसके बारे में कि हमको इन सब चीजों पर नियंत्रण रखना है। और कैसे नियंत्रण रखे, अगर आप लोग हम लोगों ने हमारा सबसे ये
हमको ये लगा कि अगर हम हर आदमी के लिए रोशनी का प्रबंध नहीं करेंगे और रोशनी के लिए मानते हैं लोग बिजली ही है, तो हर घर बिजली पहुंचा है और फिर जो हर घर पीने के लिए नल का जल उपलब्ध करा है, ये दोनों चीजें अगर उपलब्ध हो जाए तभी तो हम लोगों की बात करें। ये बिजली तो पहुंचा है लेकिन ये बिजली प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति जो है अक्षय ऊर्जा तो है, सूर्य की कृपा से वो है अक्षय ऊर्जा। सोलर पावर को बढ़ावा देना है, सूर्य कौन सुनता है, सूर्य तो सब कहता है सोलर पावर को ही कहेगा कि नकली बिजली और असली बिजली है, तो नकली तरीके से आप बना कर लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। ये मन में बात होगी तो अगर पहले बिजली नहीं पहुंचा रहे तो कौन सूर्य को तैयार है, जिससे बिजली पहुंचाया वो उनको लग गया और कुछ महीनों के अंदर एक साल के अंदर लोगों का लक्ष्य है कि सबके पीने के लिए हर घर नल का जल उपलब्ध है। अभी जो बताएं जो जल स्तर है वो नीचे जाए और अगर अब नल का जल उपलब्ध हो गया है पीने के लिए स्वच्छ पानी, लेकिन अगर पानी का उपयोग आप अन्य कार्यों में करने लगेगा उसका क्या है, नीचे से आ रहा है भूजल, वही जल शुद्ध है, उसी जल को उपलब्ध कराया, लेकिन वह जल उपलब्ध कराया जा रहा है या भोजन बनाने, लेकिन अगर उस जल का हम दूसरे चीजों में उपयोग करेंगे, अब जानवरों को नहलाने लगेंगे उसी से कुछ पटवन करने लगेंगे, नतीजा क्या होगा, एक समय आएगा जबकि भूजल स्तर समाप्त हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, तो क्या पानी भी उपलब्ध होगा। इससे बिजली की उपलब्धता और पीने के पानी की उपलब्धता कराने के बाद ही जब लोगों को बताया जाएगा ये तो आपको उपलब्ध हो गया, इस बात को समझिए, तो इसके बाद सोलर पावर के लिए भी लोग काम करें। अब जितने सरकारी दफ्तर सब में सोलर प्लेट लगा कर इसकी शुरुआत करें, धीरे धीरे एक एक लगे अक्षय ऊर्जा उसकी शुरुआत करना चाहेंगे, तो उससे जो ये बिजली का उत्पादन किया जाता है, बिजली का विद्युतीकरण होता है, जनरेशन होता है, उसके चलते जो कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती है, तो ये धीरे धीरे लोग समझते हैं। और उसी तरह से भूजल के बारे में लोग इसको समझने लगे, हमको अगर तो तय कर दिया सिर्फ हम नल का जल उपलब्ध नहीं कराए बल्कि जितने सार्वजनिक स्थल के चापा कल है उन सभी चापा कलों को दुरुस्त रखा जाए, और तीसरा जो पहले से कुएं का इस्तेमाल नहीं करते थे सार्वजनिक स्थल पर जितने कुएं हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाए, काम हम करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ ये परिवर्तन आ रहा है पर्यावरण में, जलवायु परिवर्तन हो रहा उसके लिए ताकि हम किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं जरूरत के मुताबिक, तो इसको भी ध्यान से रख के ये सारी बातें हमें को देख सकते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जो बात हमने आप लोगों को बता दी, आप ये जो जलवायु परिवर्तन की जो स्थिति जिसका हमने देखी, ये कारखाना वाहन अब जिसकी जितनी अब ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग करने लगे तो उसके चलते ये सब स्थिति आ रही है। अब भूजल को बचाना, अब आप जान लीजिए कि औसतन 2 से 7 फीट तक की गिरावट पाई गई वाटर लेवल से, हमने जलस्तर तो बहुत ज्यादा, लेकिन हमने यहाँ बिहार में जलस्तर माना जाता था कि ऊंचा, यहाँ भी ये स्थिति आई है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो जिक्र किया वो कि जितने जल स्रोत है वो सब को हम सुरक्षित रखें और उसके लिए आहार मई, अब वो जान लीजिए पुराना लोग खासकर के पश्चिमी इलाके में आहार और मई के सहारे समुचा सिंचाई की व्यवस्था, अब धीरे धीरे वो समाप्त होने जा रहा है। लघु जल संसाधन विभाग में जो बारी है उसके बारे में निर्णय हुआ है, उसके बारे में जानकारी आपको देंगे, वो काम शुरू कर ही रहे हैं। हालात अब याद कर लीजिए, अपने बचपन के समय का भी याद कर लीजिए कि गांव में और उसके कितने तालाब,
क्या स्थिति, यहां तक कि तालाबों पर कब्जा कर और उसी पर फल बनाने, तो तालाब का बचाना, तालाब को बचाना, उसका जीर्णोद्धार करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पोखर, तालाब, ये सब के बारे में सोचना, अगर ऐसा हम लोग करेंगे तभी जो जल जो विचार होगा उसका स्तर बना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हम लोग करें और ध्यान देंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि गंदा पानी को नीचे जाना देना चाहते, शुद्ध पानी वर्षा का पानी आ रहा है, छत पर आ रहा है, उसी को सीधे नीचे पहुंचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और धरती पर जो पानी जा रहा है उसको जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए जो जल है नीचे का, और उसमें हम तो यह नहीं चाहेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए गंदा पानी को हम नीचे पहुंचाए, क्योंकि जो नीचे का पानी वही पानी शुद्ध है। अगर हम ऊपर से कोई गंदा पानी नीचे भेज देंगे तो वो पानी हम पीने लायक बचेगा नहीं, और नाम है इसके। जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इसमें इस बात का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब जो कुछ भी हो गया है अब आप ध्यान दीजिए, अब मिट्टी की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है, और एक बात को बराबर करते रहे हैं और बात पर ध्यान देना चाहिए, ये आज कल कटनी के बाद जो खेत में आग लगा, अब उनको पता नहीं, किसी ने बता दिया है इसके राग से इसकी उत्पादकता जमीन की गतिविधि बिल्कुल गलत बात है, उसे उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, बल्कि जो आग लगा देते हैं उसके चलते धरती में कई चूहे हैं वो जल जाए। तो हम तो अगर इसके लिए भी कंप्लेन चला रहे हैं क्या कहूं, हम तो देख रहे हैं पिछले साल हमने देखा सबसे पहले तो हुआ था ये सासाराम और ये रोहतास कैमूर के इलाके से पढ़ते पढ़ते, फिर हमने देखा कि भाई पटना जिले की स्थिति हो गया, फिर हम पिछले वर्ष नालंदा में गए हुए थे, राजगीर के देखा कि कैसे, और उस पर हमने कहा कि भाग को भी कंप्लीट चला कंप्लीट चला रहे, लेकिन क्या स्थिति होगी इस बार का जो चुनाव हेलीकॉप्टर से घूमते थे, तो उसमें मेरी नजर पड़ जाती थी कि अब उत्तर बिहार में भी आग लगाने लगे, अब पता नहीं कौन है जो लोगों को गुमराह कर रहा है। जबकि ये बात बताना पड़ेगा कि पटना है और वो भी पर्यावरण को बिगाड़, तो एक एक चीज ऐसी है जिस बातें जिसके बारे में लोग बताएंगे आप स्वास्थ्य पर असर, अब आप ध्यान दीजिए कि गया औरंगाबाद नवादा यही पूरे मगध रीजन कितनी बड़ी संख्या में लोग मरे, कितनी बड़ी संख्या में, किस तरह से लू का असर होता है, हम तो लोगों से जाकर मिले तो हमको लगा कि भाई ये जो ज्यादा उम्र जिनकी है वो सबसे अधिक प्रभावित हुए, एक सोचता कोई सोचता नहीं था कितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। अब दूसरी तरफ देख लीजिए नॉर्थ साइड में खास करके मुजफ्फरपुर उसके इलाके में तो पिछले कई वर्षों से बात सामने आ रही है, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, या उस इलाके में बरसात के दिनों में जो जापानी इंसेफ्लाइटिस की बीमारी होती है उसका तो खैर बीमारी का पता चल गया है, उसके लिए टीकाकरण के रेडियो को रोकथाम को बचाने की कोशिश, जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम है इसके बारे में अभी डॉक्टर को पता नहीं, लेकिन किस तरह से मृत्यु हुई है खास करके गरीब परिवार, तो ये सब जो स्थिति आ रही है ये वातावरण और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है एक की उस पहलू को भी हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है, वो भी खत्म हुआ है, और आप जरा देख लीजिए वज्रपात का कितना हुआ, कभी कितना हम लोग वज्रपात देखते आज से कुछ साल पहले चौवन लोग बड़े पास से मर रहे, इतना तो सुनते नहीं, तो आज कल देखिए लोग कहीं ना कहीं बड़े पास का, तो ये सब जो परिवर्तन हो रहा है पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसके कारण ऐसी अनेक समस्याएं हो रही, तो इसके हम सब लोगों को सजग होना है और पर्यावरण के संरक्षण की, अगर आप जानते हैं बिहार की क्या स्थिति, झारखंड और बिहार एक था तो कोई ध्यान देता नहीं क्योंकि झारखंड में जंगल ज्यादा था, हम लोग के यहाँ कम था,
लेकिन एवरेज जो था जो हरित आवरण ग्रीन कवर वो बिहार झारखंड देश का उसकी चिंता नहीं कि मैं बिहार राज्य है इसमें हरित आवरण इतना, लेकिन जब झारखंड अलग हो गया तो जो बिहार है इस बिहार का हरित आवरण कितना है 900 किलोमीटर। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा आनंद होगा हम लोगों के साथ, लेकिन आबादी हम लोग इतनी ज्यादा है यानी लगभग 94,000 स्क्वायर किलोमीटर में 12 करोड़ के करीब की आबादी, तो आखिरकार जमीन उतने उपलब्ध नहीं है। तो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 70% इनकम 22 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए और उसके चलते लगभग 15% के करीब आ गए। तो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और हम लोगों ने तय कर लिया है कि वृक्षारोपण का काम सब लोग अपने घर में भी करें अपनी जमीन में भी करें। बिहार को इस नुकसान पहुंचा तो उसको नहीं समझ आप लोग भी समझते होंगे, सबका अनुभव होगा, सबको जानकारी होगा। यहाँ बताइए हम लोग बचपन में जाते थे अपने अपने इलाके में गांव में देखते तो कौन गांव का जिसमें बगीचा था, आप बताइए कहाँ बगीचा है, अभी तो दिखता ही नहीं। तो इसके बारे में थोड़ा हम बात हुए जब हम एमपी बने तो जाने की कोशिश की क्या बात है तो यूपी में बगीचा था, लेकिन जो जमीन की सीलिंग निर्धारित थी बिहार उसमें सब को शामिल करके निर्धारित हो गया, यदि बगीचा को भी शामिल कर लिया गया कि एक आदमी जमीन जो सीलिंग निर्धारित थी बिहार उससे बगीचा को भी शामिल किया यूपी में बगीचा के साथ शामिल किया उसके चलते बगीचा बच गए। अब जब जमीन के सीलिंग में वो आ गया तो सब लोग बगीचा घटा हटा करके रोटी या दूसरा और काम कर रहे, तो कई तरह की समस्याएं उसको हम गुजारती है जो प्रारंभिक काल में उस पर ये दिमाग नहीं है। तो क्या हम तो हालत हरित आवरण का ग्रीन कवर का कितने पेड़ है कितने वृक्ष है ये समस्या है, और जो जलवायु परिवर्तन है हम जो बचाना चाहते हैं ग्रीन गैस के चलते जो नेचुरल ग्रीन गैस था जिसके चलते धरती की यानी इसमें सृष्टि आई है अब उसी तरह के यानी प्राकृतिक तौर पर था और अप्राकृतिक तौर पर वो उत्पन्न हो रहे थे उसके चलते अब गर्मी बढ़े तो क्या स्थिति होगी। तो इसलिए एक एक विषय ऐसा है उसके अलावे अन्य विषय जिनके बारे में सोचिए और हर दो व्यक्ति से ये कांग्रेस से लाना जरूरी है और ये बात को हम लोग का देखना कर्तव्य है। अगर बाढ़ का संकट है तो बाढ़ में डूबने वाले लोगों को बचाइए उनका संरक्षण करिए और जो बाढ़ अभी हो रहे हैं उनको आप सहायता करनी चाहिए। सूखा आ गया तो सूखा पीड़ित इलाकों के लिए जो करना है वो करना पड़ेगा और सूखा पीड़ितों के लिए जो भी किया जा सकता है आपका प्रबंधन है। तो सुधार की स्थिति में जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उस स्थिति में सब कुछ करना पड़ेगा, वह एक अलग विषय है चाहे बाढ़ प्रभावित हो सूखा प्रभावित हो उनकी खिदमत करना उनकी सहायता करना ये अलग चीज है और इसको तो किया ही जाएगा सब काम को छोड़ कर। और हमने तो शुरू से कहा कि भाई हमारे खजाने पर सबसे पहला अधिकार और सबसे बड़ा अधिकार है आपका अपने सहायता अलग चीज है। लेकिन अब आज बाढ़ आ गया कल अगर मान लीजिए कुछ इलाके में सूखा आ गया उसके लिए वो करना हो तो करना ही है, लेकिन इसके अलावे ऐसी स्थिति से अपने कारण अगर हम उस पर कॉन्शसनेस उस पर अगर हम जागृति लाएंगे और खुद भी हर विषय को समझेंगे तो निश्चित रूप पर अपने इलाके के प्रभावित लोगों को बदल कराना यह हमको आवश्यक है। लेकिन साथ साथ जब बदल कराना हमको खुद ही बोलने की जरूरत है मदद को करना पड़े और मदद करने के बाद जो सामान्य अवधि हो उस अवधि में सब लोग अपने अपने इलाके में
या भय होता है सब लोग दूसरे की लाश में भी जाते हैं। अगर हम इन बातों पर चर्चा कम से कम एक मिनट के लिए कर देंगे अपने वक्तव्यों में, तो धीरे धीरे आप जानिए लोगों के मन में ये बात चली जाएगी। और जब आप पढ़िएगा भाई हिंदी के पांच बार उपयोग न करो, तो मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि 100% बात खाली है, क्योंकि किसी का स्वभाव ऐसा होता है 100% को कोई एक राय रखेगा, लेकिन अधिकांश लोग अधिकतम लोग बात स्वीकार करते। कितनी बड़ी रक्षा हो, ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे कमी आएगी और हम बेहतर स्थिति में आएंगे। तो इन्हीं बातों को विचार करते हुए, गौर करते हुए, कैसे हम अपने हरियाली को बढ़ाएंगे, कैसे हम लोगों के जीवन की रक्षा करेंगे, कैसे हम जल संकट को नहीं आने देंगे, इन सारी बातों पर जो छोटा प्रोजेक्ट है सब हम करेंगे। सभी विभाग के तमाम लोगों को कि भाई उसके बारे में आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताइएगा जिसका असर, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए बात दुनिया भर में चर्चा शुरू होगी, अन्य राज्यों में चर्चा शुरू हो रही है, हो जाएगी, लेकिन हम तो भाई कौन सा बिहार का जो इलाका है आप जानते ही हैं, अब पता नहीं सृष्टि के बाद समय कहाँ होता, लेकिन हम लोग कितनी आबादी है, इसकी आबादी है कि बिहार में ही सबसे पहले से लोग रह रहे, तो इसलिए अगर यहीं से हम लोग कोई काम की शुरुआत अच्छे ढंग से कर देंगे तो उसका असर न सिर्फ हम लोगों के अपने इलाके पर पड़ेगा बल्कि इसका असर बिहार के बाहर भी पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा। और इसी जागरूकता के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसके बारे में संक्षिप्त प्रेजेंटेशन होगा, और जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कार्यक्रम चल रहा है आप सब बोलिए, मुझको तो कोई चिंता नहीं है, अगर देर रात तक भी चलेगा तो कोई लोगों का नेतृत्व करने वाले और सिर्फ इलेक्टेड नहीं है आपका प्रभाव जनता पर, आप अगर कोई बात कहेगा तो उससे एक जागृति आए, जन जागरण पैदा हो और उससे हम पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएंगे। और ये जो जलवायु परिवर्तन का संकट पूरे दुनिया में उत्पन्न हो रहा है, हम अपनी तरफ से उसको रोकने के लिए अपने इलाके में प्रयास करेंगे, यही इसका मकसद है। और हम चाहेंगे अध्यक्ष महोदय के द्वारा बात होगी, सब लोग अपनी बात कहने का जो नहीं करना चाहते सुन लेगा, उसको रुझा लाइन 10 लाइन जो बन जाए सुनेगा, और आप जब फिर देंगे सारी बात सब लोगों की राय आ जाएगी, तभी अभी तक जो काम हुआ या काम करने के बारे में विचार बना हुआ उसके बारे में तो आपको जानकारी मिलेगी। सब लोग के मन में जो बात है उसके बारे में कहेंगे, मैं समझता हूँ कि इससे निपटने की जो हम योजनाएं बनाएंगे, जो अभियान चलाएंगे वो और भी प्रभावी होगा। इससे हम विनम्र प्रार्थना आप सब लोगों से करेंगे कि भाई इस पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा और अधिकारियों से हम कहेंगे कि पॉइंटेड कोई बात रखो, और अगर आपके बात रखने के सिलसिले में अध्यक्ष महोदय से विनम्र करूंगा, कोई माननीय सदस्य को जो देखते हुए अगर तब में कोई बात रखती है कि इसका क्या मतलब है तो वो आप प्रेजेंटेशन का मतलब नहीं है, प्रेजेंटेशन का क्या अर्थ है, अगर किसी भी माननीय सदस्य करता रहेगा इसके बारे में जरा और ये एक्सप्लेन कर देंगे और उसका सब लोग अपनी बात रखेंगे, अगर बात रखेंगे तो सब लोगों की बात आने के बाद सब लोग ध्यान को रखते हुए ही हम पर्यावरण संरक्षण के लिए जलवायु परिवर्तन को जितना भी संभव है उसको रोकने के लिए प्रयास करेंगे, ताकि लोगों की कठिनाई कम से कम हो। तो यही सब संख्या को कभी असेंबली में भी रखती है
काउंसिल में भी जाती है। आप लोग देख रहे हैं जल्दी काउंसिल में जितने लोग बैठते हैं उससे भी ज्यादा लोग दोनों मिला करके आप यहाँ पर बैठे मन में एक उल्लास पैदा करता है। यह ऐसी बात है सब लोग इस पर सोचेंगे तो जरूर हम लोग रास्ता निकाल लेंगे। यही सब कृपा आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अब यही आग्रह करूंगा कि सरकार के अधिकारी गण जो इसके बारे में जानकारी है और प्रारंभिक विशिष्ट जानकारी है उसके लोगों को माननीय सदस्यगण आप जैसा कि आप अवगत हैं